गरीब भी रहते हैं मुंबई में, अमीर भी रहते हैं मुंबई में। कुछ लड़के भागलपुर से आते हैं, कुछ लड़के जयपुर से आते हैं, कुछ लड़के हरियाणा से आते हैं, कुछ लड़के पंजाब से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। देश के कोने कोने से न जाने कितने हजार स्टूडेंट, मैं विपिन कुमार फिल्म गुरु फिल्म मेकर, हमारे यहाँ से सक्सेस फिल्म अकेडमी से कितने हजार स्टूडेंट को तो दोस्तों मैं खुद ट्रेनिंग दे चुका हूँ। लेकिन दोस्तों एक कहावत है ना, हीरा करोड़ों में एक निकलता है। तो दोस्तों मुझे हीरे की तलाश है जो देश का नाम रोशन करे, अपना नाम रोशन करे, मेरा यानी विपिन कुमार का नाम रोशन करें। कुछ ऐसे लड़के जो एक्टर नहीं बन पाते ना मुंबई में, क्या ऐसे कारण हैं? कुछ ऐसे सॉलिड रीजन बताऊंगा जो आपको सहायता करेगा, ऐसी गलती आप ना करें और आप एक सफल एक्टर बने। देखो होता क्या है, जो भी लड़के मुंबई आते हैं ना बड़े जोश के साथ आते हैं, लेकिन न जाने क्या ऐसी बात है, मेरे को ना कभी ताज्जुब होता है बॉस, यहाँ आने के बाद वे अपने दिल की बात नहीं सुनते, उनको गाइडेंस करने वाला कोई और हो जाता है, उनको बताने वाला समझाने वाला कोई और हो जाता है। तो पॉइंट नंबर वन, दूसरे के बहकावे में आ जाना। अब इसको मैं थोड़ा और सरल भाषा में बताता हूँ। दूसरे यानी उसके जो दोस्त होंगे ना, वो बोलेंगे चल पार्टी करते हैं, चल नशा करते हैं, चल कुछ लव अफेयर करते हैं, चल गुरु का सम्मान नहीं करते हैं, चल एकेडमी नहीं जाते हैं, चल गलत हरकत करते हैं। ये सारी चीजें ना उसका दोस्त उसके बताता है। जो लड़का आता है सीखने, अब वो सीखता नहीं है, कुछ और काम करने लगता है। तो पॉइंट नंबर वन है दूसरे के बहकाव में आना। पॉइंट नंबर टू, बहुत ही सॉलिड रीजन है दोस्त, आप गूगल कर लेना, गुरु का सम्मान न करना, एकेडमी का सम्मान न करना, अपना सम्मान न करना, अपने मकसद से भटक जाना। तो पॉइंट नंबर टू है मकसद से भटक जाना। मकसद क्या था, आप मुंबई किस लिए आए थे, एक्टर बनने। अब क्या करते हो, अब आप वो करते हो जो आपका दोस्त बताता है, यानी आप अपने मकसद से भटक गए। अब आप ना गुरु का सम्मान कर रहे हो, ना एकेडमी का सम्मान कर रहे हो, ना माता पिता का सम्मान कर रहे हो, ना अपने मकसद का सम्मान कर रहे हो, पूरी तरीके से मकसद ही आपका नहीं है, मकसद से भटक चुके हैं। पॉइंट नंबर थ्री, अफेयर्स। या दोस्तों अफेयर्स, आप लव अफेयर्स में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लड़की हो तो बॉयफ्रेंड के चक्कर में, लड़के हो तो गर्लफ्रेंड के चक्कर में, यानी अफेयर्स में आप फंस जाते हो, आप अपने एक्टिंग करियर को समय नहीं दे पाते। पॉइंट नंबर फोर, बहुत ही जल्दबाजी है आपको, पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है, सीखना नहीं है, रातों रात सुपरस्टार बनना है बॉस, समय कहाँ है, राइट? और सबसे लास्ट में बोलूंगा दोस्तों, ना सीखने का आदत, सीखना ही नहीं है बॉस, क्यों सीखना है, उनको सीखना ही नहीं है, उनको तो बॉस सब कुछ आता है, लेकिन सच्चाई ये है ना उनका डिक्शन अच्छा है, ना उनकी एक्टिंग अच्छी है, ना उनकी सभ्यता अच्छी है, ना उनका ग्रुप एक्टिंग अच्छा है, और उनको क्या लगता है, वो तो बॉस सबसे बेहतर है। बड़े दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि ये जो लड़के आते हैं वे ऐसा ना करें, या तो आए ही ना, क्यों अपना समय पैसा अपनी एनर्जी सब वेस्ट करते हो मुंबई में आके। अगर आए हो तो बड़े जोश के साथ रहो, सीखो, सम्मान करो दुनिया का, तभी आप कामयाब हो। बाकी आपकी मर्जी है बॉस, जो करना है करो, मैं एक टीचर हूँ, ट्रेनर हूँ, अच्छी अच्छी सलाह आपको देता रहूँगा। मेरा मकसद है आपको गाइड देना, मेरा मकसद है आपको सलाह देना, इसलिए तो मैं हूँ, इसीलिए तो सक्सेस फिल्म अकेडमी है। क्यों है, आपको गाइडेंस देने के लिए, आपको सलाह देने के लिए, आपको ट्रेनिंग देने के लिए, वो हम करते रहेंगे, बाकी आपकी मर्जी है, जो करना है करो। आशा करता हूँ ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। इस ब्लॉग का नाम है नए लड़के एक्टर क्यों नहीं बन पाते, नए लड़के क्या ऐसी गलतियां करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे कस्टमर केयर का नंबर है 7219533205। उस नंबर पर फ़ोन करें, पूछें हमारे मैनेजर से
कैसे आप जुड़ सकते हैं और किस तरीके से आप सफर में आगे बढ़ सकते हैं। वेलकम टू मुंबई एंड वेलकम टू सक्सेड फिल्म अकेडमी। ये सामने इमारत देख रहे हो आप, वो सामने इमारत देख रहे हो, करोड़ों की फ्लैट है यहाँ पे, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, इस तरीके से फ्लैट हैं। आपको क्या लगता है, बिना सीखे बिना तैयारी किए आप आ सकते हो, बिना गुरु का सम्मान किए बिना लोगों की इज्जत किए आप आ सकते हो? नहीं पा सकते। तो सलाह ये है कि राजनीति आप ना करें। अगर राजनीति करनी है तो वो सिर्फ आप राजनीति करें, देश की सेवा करें, राजनीति भी अच्छी चीज़ है, अच्छी राजनीति करें। लेकिन अगर आपको एक्टर बनना है बॉस, तो प्लीज़ अपने दिल की सुनो, माता पिता की सुनो, किसी ना किसी को गुरु बनाओ। और गुरु बनाओ तो समर्पित हो जाओ बॉस, झूठे तरीके से गुरु मत बनाओ, झूठे दिलासा ना दिलाओ अपने आप। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।